इन दिनों मेलामाइन क्रॉकरी की काफ़ी डिमांड है और ये कैसे बनाई जाती है आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए ये मेलामाइन क्रॉकरी से बने हुए प्लेट्स हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो यहाँ पर कार्टून्स रखे हुए हैं या फिर जो यहाँ पर प्लेट्स बने हुए हैं इनके बारे में अगर हम बात करें। वशिष्ठ जी, मेलामाइन क्रॉकरी जो है तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, इसको लेकर के इतनी ज़्यादा डिमांड कैसे बढ़ी? जब पहले फाइबर प्लेट में हम लोग खाना खाते थे तो हीट के कारण वो कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता था हमारे शरीर में, अब उसका रिप्लेसमेंट ही आया है मेलामाइन क्रॉकरी का। और ये आज के डेट में हर घर में, हर रेस्टोरेंट में और हर टेंट कैटरिंग में यही यूज हो रहा है। इसकी डिमांड रायपुर और रायपुर से बाहर भी इतनी ज़्यादा है, जो हम लोग आज 2 महीने हुए यूनिट को स्टार्ट किए हुए, माल पूरा नहीं कर पा रहा है। और हर घर में जाने का मकसद क्या है कि एक रियलाइज प्राइस में है, यानी हर किसी के पहुंच के बाहर नहीं है, हर किसी के पहुंच में है ये बात। जो ये प्रिंट है जी, ये प्रिंट कैसे आता है इसके बारे में? प्रिंट एक पेपर होता है, ये पेपर उसको एक नियत हीट और टेम्परेचर के साथ उस पर रखते हैं तो ये सॉलिड हो जाता है उस पर और फिक्स हो जाता है। ये तब तक नहीं हटेगा जब तक ये प्लेट है, तब तक हटना नहीं होगा। वॉल पेपर किस चीज़ के बनते हैं? पेपर नॉर्मल पेपर जो है वही पेपर है। अच्छा, जो अपने पेपर होते हैं वही पेपर है। इस तरीके से कई तरह की डिज़ाइन? हाँ, कई तरह की डिज़ाइन आती है। आप पेपर है, आप जितना डिज़ाइन डेवलप करवा लो जो डिज़ाइन देख लो, अगर ग्रीन, रेड, ब्लू, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा, इस टाइप के जितने भी आपको कलर चाहिए उतने कलर का पाउडर रहता है। डेली का प्रोडक्शन क्या है? डेली का एक मशीन पे एक फुल प्लेट हम लोग एक टाइप का फुल प्लेट 400 पीस एक शिफ्ट बनाते हैं, दोनों शिफ्ट मिला के 800 पीस बनता है। और इस टाइप की हमारी पैकिंग है, इस टाइप की पैकिंग है प्रिंटेड कार्टून से एकदम। आपको ये मेरे ब्रांड का नाम हो गया, इधर आप देखिएगा तो क्वांटिटी और प्रोडक्ट नंबर लिखा हुआ है और जो डेली डेली माल बन रहा है और डेली हम लोग डिस्पैच करते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये देखिए ये सेक्शन हमारा है जहाँ पैकिंग हो रही है, ये बच्चे लोग हमारे पैकिंग कर रहे हैं, अपने पैक किए, पैक करके आप सीधा ट्रांसपोर्ट में हम लोग भेज दिए। डेली का कितना प्रोडक्शन हो जाता है? डेली का भैया लगभग आप मान के चलिए ना तो एक मशीन पे 1000 पीस निकल जा रहा है। रायपुर में भी जाता है, रायपुर से बाहर भी माल जा रहा है। अभी ये आपके लगभग 8 सिटी में माल जा रहा है आपके फैक्ट्री का। और ये सबसे बड़ा ये है कि जीएस इंडस्ट्री जो है, जीएस इंडस्ट्री के द्वारा ये बनाया गया। जीएस इंडस्ट्री आज पहले से भी LED TV सब में बहुत नाम कमा चुकी है, अब ये नए क्रॉकरी में आए हैं ये लोग तो आगे इस तरह का। ये देखिए ये अपना ग्राइंडिंग रूम है, ये अपना ग्राइंडिंग रूम है जिससे प्लेटों को शार्प और शाइनिंग दिया जाता है। अच्छा, हाँ, ये ग्राइंडिंग रूम बोलते हैं इसको, शार्पनेस जो होती है। हाँ, शार्पनेस और शाइनिंग। ये पेपर वही है जो डिज़ाइन हम लोग वहाँ पे डालते हैं, जो प्लेट पे डालते हैं वही डिज़ाइन हो जाता है ये। अच्छा, अभी आपको इससे एक्चुअल डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो देखिए आपका ये प्लेट पे आ गया, ये डिज़ाइन हो गया और टोटल फूड ग्रेड है, कहीं भी कोई वो नहीं है कि आपके शरीर को नुकसान करे या कुछ नहीं। साथ साथ में आप ये भी देखो, ये पूरा अनब्रेकेबल है, फर्क दिए कोई फर्क नहीं पड़ा इनको, ये अनब्रेकेबल है। हम क्वालिटी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, हमको क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। लोगों के तक पहुँचे, लोग हमारे नाम को हमारे क्वालिटी से जाने, ये क्वालिटी वो बना रखे हैं।